दोस्तों, क्या इंडिया में जो 28 फरवरी को Xiaomi Redmi का Note 7 लॉन्च करने वाला है उसके साथ Redmi का Note 7 Pro भी लॉन्च करेगा? दोस्तों, ऐसा ही कुछ हिंट जो है मुझे यहाँ पर मिला है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। जैसे कि लगता है कि Redmi का Note 7 Pro भी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, कंफर्म हालांकि नहीं है, लेकिन यहाँ पर Xiaomi ने जो 7 टीज किया है वहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर Xiaomi ने हिंट दिया है उस 7 में, जिसे मैंने यहाँ पर डिकोड किया है। अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं यहाँ एवरीथिंग। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर 7 जो है काफी अच्छे तरीके से, मेरे पास एक अच्छा फोटो है काफी हाई क्वालिटी का। अगर आप इस फोटो को जूम करेंगे तो आपको बहुत सारे हिंट मिलने वाले हैं कि Xiaomi आने वाले वक्त में क्या क्या करने वाला है। जी हाँ, आने वाले इवेंट में जो लॉन्च इवेंट होने वाला है 28 फरवरी को, उसमें क्या क्या लॉन्च कर सकता है और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आता है इस 7 से। ये 7 जो है सिर्फ 7 नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे जो है हिंट Xiaomi ने ऑलरेडी दे दिया है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पर 7 जो आपको लिखा हुआ है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि Redmi का Note 7 इंडिया में लॉन्च होगा। इसमें आपको बहुत सारे क्लू मिल जाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि Xiaomi जो है बहुत सारे डिवाइस को लॉन्च कर सकता है इंडिया में 28 फरवरी को। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास एक हाई क्वालिटी का फोटो है तो आप इसे जूम करके देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाते हैं। मैं एक बगल से आपको यहाँ पर बताता हूँ इस फोटो को डिकोड करके। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आप फोटो को जूम करेंगे ऊपर साइड से, यहाँ पर आपको दिखाया गया है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल कैमरा है, जो कि सेंसर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जी हाँ, और 48 मेगापिक्सल यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको कुछ कूलिंग फैन दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि Redmi के Note 7 में जो होगा इसमें आपको काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी मिलने वाला है कूलिंग करने वाला। जी हाँ, अगर यहाँ पर थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे तो डुअल कैमरा के साइड में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है इनोवेशन फॉर एवरीवन। जी हाँ, और यहाँ पर इसके आगे में ही यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसा कुछ भी यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है। ऐसा आप देखते होंगे, जबकि डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वैसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि Xiaomi का Redmi Note 7 Pro जो आने वाला है उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है, और हो सकता है इसके साथ ही इंडिया में 28 फरवरी को ही लॉन्च कर दिया जाए। तो यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर क्लू है यहाँ पर दिया गया है इस 7 में कि Redmi का Note 7 Pro भी लॉन्च हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा आपको साफ साफ तौर पर बताया गया है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। जी हाँ, MI का बहुत सारा गाड़ी है। अगर आप थोड़ा सा और यहाँ पर साइड में जाएंगे तो MI के बहुत सारे लोगो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर इसका चार्ट दिखाया गया है Xiaomi का, जी हाँ, जो कि नंबर 1 यहाँ पर बना हुआ है अभी भी इंडिया में। अगर दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर साइड में देखेंगे तो एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कुछ यहाँ पर प्रोसेसर के बगल में एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर लिखा गया है आई एम सेक्सी एंड आई नो इट। तो यहाँ पर डिज़ाइन के बारे में बताया गया कि डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखेंगे जूम करके तो यहाँ पर 3-4 बनी जो है यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया गया है और उसमें तैर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि Xiaomi जो हिंट देना चाहता है कि जो नेक्स्ट फोन आने वाला है वो वाटर रेजिस्टेंट हो सकता है। जी हाँ, वाटर में थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सकता है। तो Xiaomi जो है यहाँ पर इस तरह से हिंट दे रहा है इस फोन के बारे में इस 7 में। जी हाँ, और यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 2 बार जो है 4G लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस जो है डुअल 4G को सपोर्ट करेगा। जी हाँ, डुअल 4G आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और वाईफाई यहाँ पर जो सिग्नल दिया गया है वाईफाई का देखेंगे आपको तो हो सकता है वाईफाई 5 जो है लेटेस्ट वर्जन आपको वाईफाई का इसमें मिल सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो प्रोसेसर के बारे में बताया गया है, यहाँ पर लिखा गया है डोंट वेट फॉर एनीथिंग। जी हाँ, Xiaomi का कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो आपको अब इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? किसी नए प्रोसेसर का, वो भी Qualcomm Snapdragon का। तो 675 जो है Xiaomi लॉन्च करेगा Redmi के Note 7 Pro के साथ। तो यहाँ पर एक और तगड़ा हिंट मिल जाता है कि नया प्रोसेसर जो है आपको मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि Redmi का Note 7 Pro भी इंडिया में लॉन्च होगा। यहाँ पर ये जो हिंट जो है Xiaomi ने दे दिया है इस पिक्चर में, एक और हिंट। जी हाँ, अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ड्रोन मिल रहे हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ मिल रही है MI का। तो यहाँ पर MI इस बार यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि ये फ़ोन जो होगा काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में आने वाला है, आपको आउट ऑफ स्टॉक का जो झंझट था वो आपको नहीं होने वाला है इस बार। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हिंट जो है Xiaomi दे रहा है इतने सारे गाड़ियों को यहाँ पर दिखाकर। जी हाँ, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं Xiaomi का, यहाँ पर ये इसका मतलब कहने का मतलब यही कि ये फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में आएगा।
अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो बैटरी के बारे में दिखाया गया है। जी हाँ, गेम ऑन यहाँ पर दिखाया गया और बैटरी जो काफी सारा यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4000 mAh भी लिखा गया है, तो बैटरी जो काफी बड़ा होने वाला है। और यहाँ पर खास करके आप देख सकते हैं टाइप सी का यहाँ पर सिम्बॉल दिया गया है और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर यह भी हिंट जो है इस यहाँ पर 7 में दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड लिखा गया है और बहुत सारे MI का होम है, तो हो सकता है Xiaomi जो है और बहुत सारे यहाँ पर MI होम यहाँ पर जो है अनाउंस करेगा 28 फरवरी को। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हिंट यहाँ पर दिया गया है। और नया वेयर हाउस भी Xiaomi जो है इंडिया में बना सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा जो यहाँ पर बैक साइड में आप देख सकते हैं वो आपको यहाँ पर बना दिखाई देगा। लेकिन अगर आप देखेंगे एक ड्रोन जो है डिलीवरी कर रहा है, जी हाँ, तो ड्रोन डिलीवरी तो यहाँ पर इंडिया में जो है काफी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर Xiaomi जो सोच जरूर रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि इंडिया में ड्रोन भी Xiaomi लॉन्च कर दे, और यहाँ पर इस 7 में जो है Xiaomi बहुत सारे हमें हिंट दे देता है। और इन सारे हिंट का जो यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर मतलब है कि सब कुछ Xiaomi जो है इस 7 में ही आपको बता दिया है कि आपको आने वाले फोन में क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो जूम करके आपको सब कुछ लगभग दिखाई दे देगा। जी हाँ, बड़ा बैटरी आपको मिल जाएगा, काफी अच्छा प्रोसेसर आपको मिल जाएगा, वो भी नया प्रोसेसर जिसका आप वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर वाटर प्रूफ वाला यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, Xiaomi का कुछ यहाँ पर चार्ट बनाया गया है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। और डुअल कैमरा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेंसर है 48 MP का है। तो ये सारे जो यहाँ पर इस 7 में दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ इसमें छुपा हुआ है, उतना तो मैं यहाँ पर नहीं खोज पाया, लेकिन जितना भी डिकोड हो पाया मैं आपके साथ शेयर कर लिया। अगर दोस्तों आपको कुछ और मिलता है इस 7 में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों आपने देख लिया 7 में जो है बहुत सारे राज जो है छुपे हुए हैं। अब फाइनली क्या लॉन्च होता है 28 फरवरी को ये देखने वाली बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि Redmi का Note 7 Pro भी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, एक सरप्राइज जो है Xiaomi दे सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन जो हिंट मिला है उसके हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। आपको क्या इस 7 में जो है कुछ अलग यहाँ पर मिला? अगर मिला तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।